चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और उसने सिचुआन प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। इस खास रिपोर्ट को देखें। चीन एक तरफ तो डायलॉग और शांति की दुहाई देता है, लेकिन इसकी आड़ में दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सीमा के करीब तक पीएलए को सैन्य सप्लाई आसान बनाने के लिए चीन ने रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बीजिंग ने सिचुआन प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट निर्माण में काफी तेजी ला दी है, जिससे उनका काम जल्द से जल्द पूरा हो। इस रेल प्रोजेक्ट में 70 सुरंगें हैं, जिसमें एक सुरंग की दूरी 40 किलोमीटर लंबी है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन मजदूरों से 89 डिग्री में भी काम करवा रहा है। और चीन जो हमेशा पीएलए का प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाता रहता है, अब उस पर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि सत्ताधारी सीपीसी का पीएलए पर कुछ वक्त के लिए कंट्रोल कमजोर पड़ गया था। देखिए ये रिपोर्ट। चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बड़ा कबूलनामा किया है। कुछ समय के लिए उसकी पकड़ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर ढीली पड़ गई थी। सीपीसी ने कहा कि यदि ऐसे हालात बने रहते तो इससे न केवल सेना की युद्ध क्षमता कम होती, बल्कि सेना पर पार्टी के नियंत्रण का एक अहम राजनीतिक सिद्धांत भी कमजोर पड़ जाता। बिना लद्दाख का जिक्र किए सीपीसी ने कहा कि सेना ने सीमा रक्षा के लिए बड़े अभियान चलाए हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि चीनी सेना को पार्टी नेतृत्व के तहत काम करना चाहिए, न कि सरकार के अलग निकाय के तौर पर करें।